Assalamoalaikum warahmatullah. You are watching Faizan-e-Islamiat Islamic channel. New ideas, recommend content, 100% real videos. Subscribe for more and press bell icon. Thank you. आज हम जमात नहम में तर्जमतुल कुरान में हमारा टॉपिक है सूरतुल हज, इसका लेक्चर पेश कर रहे हैं। सूरतुल हज की आयात 78 है। ये एक मुनफरिद सूरत है। इसका आगाज हिजरत मदीना से पहले मक्का में हुआ और इसका इख्तिताम या इसकी तकमील हिजरत मदीना के बाद मदीना मुनव्वरा में हुई, इसलिए आप उसको मक्की मदनी सूरत कह सकते हैं। इस सूरह मक्का में बताया गया है कि हज हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने से शुरू हुआ। इसमें हज के बुनियादी अरकान क्या है, इसकी तफसील बताई गई है, इसी वजह से इसका नाम रखा गया है सूरतुल हज। इसके अलावा सूरतुल हज में क़यामत का जिक्र भी है, जिहाद की इजाज़त भी दी गई है, हज और कुर्बानी का बयान भी है। सूरतुल हज के मज़ामीन। सूरतुल हज के शुरू में क़यामत का जिक्र है और ये बताया गया है कि मुनकिरों और काफिरों और मुनाफिकों को बुरे अंजाम का सामना करना पड़ेगा और मोमिनीन परहेज़गार लोग अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी के हकदार होंगे, अंजाम नहायत उम्दा होगा। इसमें कुर्बानी की हकीकत और हज की हकीकत को वादे किया गया है और कुर्बानी के अहकाम भी बयान किए गए। सूरतुल हज में जिहाद की इजाज़त मुसलमानों के लिए खुशखबरी करार दी गई है। इससे पहले काफिरों के ज़ुल्म सितम पर सब्र करने का हुक्म था, मगर अब इजाज़त दी गई है कि काफिरों के ज़ुल्म सितम पर मुसलमान ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाले हालात ने साबित किया कि वाकई ये बड़ी खुशखबरी थी। सूरतुल हज के आखिर में तमाम इंसानों को ईमान लाने की दावत दी गई है और ये बताया गया है कि अल्लाह ताला ने इंसानों और फरिश्तों में से जिसको चाहा अपने पैगाम को पहुंचाने के लिए मुंतखब फरमाया। सूरतुल हज में ईमान वालों को नेक आमाल करने और उम्मत की जिम्मेदारी निभाने का भी हुक्म दिया गया है। सूरतुल हज के इलमी व अमली नुकात। सूरतुल हज के मुतालिया से जो इलमी अमली नुकात मालूम होते हैं उनमें से चंद एक ये हैं। क़यामत का दिन एक नहायत सख्त और हौलनाक दिन होगा जो लोगों के होश उड़ा देगा। शैतान की पैरवी करने वाले दुनिया में भी गुमराही और आखिरत में भी अज़ाब इलाही के हकदार होंगे। शिर्क की कोई दलील नहीं है। मुनाफिकीन अल्लाह ताला की इबादत किनारे किनारे करते हैं। जब कोई दुनियावी फ़ायदा मिलता है तो खुश होते हैं और जब उनको दुनियावी नुकसान होता है तो दीन से दूर हो जाते हैं। सारी कायनात अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज़ है, यानी उसकी तस्बीह उसकी पाकी बयान करने में मसरूफ़ है। अल्लाह ताला उन लोगों की मदद फरमाता है जो अल्लाह ताला के दीन की मदद करते हैं, यानी दीन मतीन की तबलीग व इशाअत में मसरूफ रहते हैं। आइए सूरतुल हज के मशरी सवालात पर एक नज़र डालते हैं, दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। सूरतुल हज है मक्की मदनी, मक्की मदनी, इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त जवाब है मक्की मदनी। पहली मरतबा जिहाद की इजाज़त दी गई सूरह मरियम, सूरह ताहा, सूरह हज, सूरतुल अंबिया। दुरुस्त जवाब है सूरह हज। सूरत के शुरू में क़यामत के अहवाल का बयान है। सूरह ताहा, सूरह हज, सूरतुल अंबिया, सूरह मरियम। दुरुस्त जवाब है सूरतुल हज। सूरतुल हज में हुक्मरानों को ताकीद दी गई है नेकी का हुक्म देने की, सिला रहमी की, अफ़ो दरगुज़र की, मुसावात कायम करने की। दुरुस्त जवाब है नेकी का हुक्म देने की। सूरतुल हज में जिहाद को मुसलमानों के लिए करार दिया गया है जिम्मेदारी, कर्ज़ हसना, खुशखबरी, ये तीनों। दुरुस्त जवाब है खुशखबरी। मुख्तसर सवालात में पहला सवाल ये है, सूरतुल हज को यह नाम क्यों दिया गया है? जवाब में आप देखेंगे, सूरतुल हज में बताया गया है कि हज का आगाज़ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने से हुआ। इस सूरह मक्का में हज के अरकान बयान किए गए हैं,
اسی لیے اس کا نام رکھا گیا ہے سورۃ الحج۔ دوسرا سوال، سورۃ الحج کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کے جواب میں لکھیں گے کہ سورۃ الحج میں قیامت کا ذکر بھی ہے، حج اور قربانی کے احکام بھی درج ہیں، اور جہاد کی مسلمانوں کو اجازت بھی دی گئی ہے۔ تیسرا سوال، سورۃ الحج کے علمی عملی نکات میں سے کوئی دو تحریر کی تھی۔ آپ لکھیں گے سورۃ الحج کے مطالعہ سے جو علمی عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے دو درج ذیل ہیں۔ نمبر ایک، قیامت کا دن ایک نہایت سخت اور ہولناک دن ہوگا جو لوگوں کے ہوش اڑا دے گا۔ نمبر دو، شیطان کی پیروی کرنے والے دنیا میں بھی گمراہ ہیں اور آخرت میں بھی عذاب الہی کے حقدار ہوں گے۔ قرآن الفاظ کے معنی، یوم سکو وہ روکے ہوئے ہیں، من سکن عبادت کا طریقہ، یم شونا وہ چلتے ہیں۔ تفصیل سوال آتا ہے سورۃ الحج پر ایک مفصل مضمون لکھیے، تو آپ سورۃ کا تعارف لکھیں گے، سورہ حج کا خلاصہ بھی لکھیں گے۔ اس سورہ وقعہ میں جن مضامین کا ذکر ہے ان کی سب ہیڈنگ دے کر الگ الگ لکھیں گے، اور علمی عملی نکات کو بھی سب ہیڈنگ دے کے لکھ دیں گے، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہترین جواب بن جائے گا۔ عزیز طلبہ، آپ نے آج کا لیکچر ملاحظہ کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی علم و عمل میں اضافہ فرمائے، آمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ نیکی کے کام میں تعاون کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، دیکھتے رہیے فیضان اسلامیات اسلامک چینل۔